संस्कृति क्या है कि गैरों की भाषा बोलते वक्त बहुत बीत चुका है। तीन टुकड़े हैं इस कहानी जो सुनाने में आ जाए, बहुत वक्त हो गया कुछ बयान करने, इसीलिए अफसाना सुनाने आया। तो पहला, माँ और बाबा। तारों की खोज में निकला था मैं घर छोड़ कर, मगर आसमां में पहुंचकर समझा कि ऊपर कूदने के लिए धरती को नीचे धकेलना पड़ता है। अगर दूर कितनी भी आ जाओ, दिल तो वही रह जाता है। नकाब पहनने से चेहरा थोड़ी बदल जाता है। कुछ आदतें माँ तुम्हें ऐसी डलवाते हैं कि जहां की दूसरी ओर तुम ही याद आ गए। अब मांगता हूं बस ये कि एक बार तेरे आंचल में फिर हो सकती है, तेरे सीने में से रख कर फिर सो सकूं, तेरे हाथ से निवाला फिर पालू में चाहे तो बस गले लगा लूं। एक बार, बस एक बार पापा को दफ्तर से घर आता देख लूं मैं उनका बस्ता, कंधे पे फिट हो सकूं मैं, हर रोज रात में बैठ खाना खा सकूं मैं, वो रातें सबके संग फिर गुजार सकूं। ख्वाहिशें बहुत हैं मगर उन्हें पूरा नहीं कर सकते, हम तो बंजारे हैं साहब, दूरियों की शिकायत नहीं कर सकते। आज तो बादल भी बरस कर खुश हमें यूं कर गए कि जो मेरी आंखें न कर पाए वो आज बादल कर गए, कि जो मेरी आंखें न कर पाए वो आज बादल कर गए। दूसरा, उसको वो जो न जाने कितने ही देशों दूर मेरा दिल थामे बैठे। लोग अक्सर ये सोचा करते हैं कि अपना प्यार पहचाने कैसे, मैं तो कहता हूं साहब एक बार अपनी आंखें बंद कर उसका हाथ थाम कर देखो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि खुदा ने उसका हाथ तराशा है मेरे हाथ के लिए, अजनबियों के सामने मजनू बना पड़ा हूं और तुम अनजान हो, ये जज्बात जो रूह से निकल रहे हैं ये फितरत नहीं फिर दूर है हमारा। के बाहर हमसे मिलिएगा, जरूर सुनाएंगे। नाम है तन्मय अग्रवाल, सुनने के लिए धन्यवाद।